हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइंस बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो कि 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू मीनस सेम ईयर का है ठीक है तो फर्स्ट पेपर होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम मार्क्स थर्टी थ्री एंड टाइम इसका जो है टाइम ड्यूरेशन टू आवर्स की है ठीक है जो कि कोविड की, की वजह से है और बाद में मे बी वो चेंज होकर फिर से थ्री आवर्स हो जाए चलिए तो देखते हैं कम्प्लीट पेपर बच्चों थ्री टू सेक्शंस में डिवाइड है ठीक है देखिए जैसे कि फर्स्ट सेक्शन तो फर्स्ट सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑल क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन करेक्टराइजेशन एन इलेक्ट्रॉन विद एन एग्जाम्पल ठीक है तो एक क्वेश्चन यह है टेन uh, फोर मतलब फोर मार्क्स का है देन एक मिनट क्वेश्चन फाइव मार्क्स सेक्शन ए में टू सेक्शन क्वेश्चन हाँ तो फोर क्वेश्चन करने हैं so है? इसमें इंटरनल चॉइस है सेकंड का ही आपको दो पार्ट करना है ठीक है प्रिडिक्ट विच एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज ठीक है प्रिडिक्ट विच एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हाई आयोनाइेशन एनर्जी इन दोनों में से बताना है आपकी दोनों में से कौन से वाले एलिमेंट की एनर्जी ज्यादा है ठीक है देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ आयन डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है एन अकाउंट ऑन जनरल पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया वाटर एच थ्रियो पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ऑन इट्स बेसिस ठीक है हाइब्रडाइशन बताना है आपको पूरा एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर इन तीन के एक दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक हाइड्रोनियम आयन इनके स्ट्रक्चर बताना है देन डिस्कस डाइगोनल रिलेशनशिप विद एग्जाम्पल ठीक है देन राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइ एंड साइज स्क्वायर अबो प्रिंसिपल ठीक है इसमें देखो इंटरनल चॉइस है चॉइस नहीं है एक्चुअली में सेवन्थ के अगर आपको सेवन क्वेश्चन अटैम्प करना है तो आपको टू पार्ट्स करना है ठीक है देन राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कली मेटल्स ठीक है एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ठीक है तो इसमें भी दो पार्ट हैं देन तो कंप्लीट तो एट क्वेश्चन थे जिसमें से आपको बच्चों फोर क्वेश्चन अटैम्प करने थे देन सेक्शन बी में चलते हैं ठीक है तो सेक्शन बी में आपको थर्टी मार्क्स का और इसमें से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प करना है यस yes? तो देखिए व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट गैस कंपाउंड डिस्कस द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्जी एफ टू एक्सी एफ फोर एंड एक्स ओ टू ठीक है देन ये देखो पूरा है लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा और आपको मतलब अच्छे से पूरा थियोरटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक है और इनकी ज्योमेट्री बना के दिखानी पड़ेगी तभी आपको थर्टीन में से थर्टी मतलब कंप्लीट मार्क्स तभी मिलेंगे या मैक्सिमम मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप इसे कंप्लीट करेंगे अच्छे से देन नेम द इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ लीथियम डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ लीथियम फ्रॉम इट्स ओरस सेकेंड क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग है देन एक्सप्लेन मोलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी एम ओ टी आई है डिस्क्राइब द मोिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल ठीक है सिंपल है बहुत सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रखा है आपको इसी का करना है ठीक हो गया तो समझ में आ देखो थ्री क्वेश्चंस यहाँ पे थे जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है और सेक्शन ए में आपके जो है एट क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको कोई फोर अटैम्प करने हैं क्लियर है तो ये रहा आपका बच्चों पेपर आपने देख लिया अच्छे से ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए पेपर के साथ